हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही कम सामान में और बहुत ही जल्दी बनने वाला, झटपट बनने वाला टेस्टी रेसिपी, जो कि रसमलाई को भी फेल कर देगा। बहुत टेस्टी बनते हैं, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आएगा बेल बटन, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया कुछ स्लाइस ब्रेड के, ये लगभग 8 स्लाइस हैं, और वाइट ब्रेड लेना है आपको। इसका हम साइड वाला पार्ट हटा देंगे कट करके, जो ब्राउन पार्ट है ना ये वाला हम हटा देंगे, जो वाइट वाला हिस्सा है वो हम लेंगे। बहुत ही कम समय में ये बन जाता है। जब भी कभी आपका मीठा खाने का मन करे फटाफट से आप इसको 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं। और इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से सैंडविच शेप में। तो सारे ब्रेड को यहाँ हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसको कट कर लिया है, और जो इसका साइड वाला पार्ट है ना इसको आप ब्रेड क्रम बना करके रख सकते हैं, किसी और चीज़ में आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ लेंगे कोई भी थाली या ट्रे ले सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रे लिया है। इस तरीके से इसमें सारे स्लाइस को हम लगा देंगे, बीच में थोड़ा थोड़ा हम गैप रखेंगे। तो एक के ऊपर एक हम इस तरीके से लगाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड को लगा दिया है, और यहाँ हम लेंगे एक कटोरी, इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर, थोड़ा सा दूध डाल के इसका हम इसको हम मिक्स कर लेंगे। लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें कोई भी, अच्छे से आपको मिक्स करना है इसको। तो यहाँ देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और यहाँ हमने लिया है 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध। नॉर्मल दूध है, ना ठंडा ना गर्म। अब हम रखेंगे इसको गैस पर उबलने के लिए। दूध में हम बॉयल आने देंगे। और चलाते रहेंगे ताकि तले से लगे ना। तो यहाँ देखिए दूध हमारा उबल चुका है, और अब यहाँ पर हम डाल देंगे जो हमने कस्टर्ड पाउडर रखा था। दोबारा से एक बार हम इसको मिला देते हैं क्योंकि तले में जाके बैठ जाता है। और लो फ्लेम रखेंगे गैस को। लो फ्लेम पे इसको हम गाढ़ा होने तक मिक्स करेंगे, जैसे हल्का सा गाढ़ा करना है। यहाँ मैंने 100 ग्राम चीनी डाला है, और थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट है, काजू, किशमिश और बादाम, दोनों चीज़ों को 4 से 5 मिनट तक यहाँ पर हम पका लेंगे चीनी घुलने तक। लो फ्लेम ही रखेंगे, और यहाँ देखिए काफ़ी हद तक ये गाढ़ा भी हो चुका है। थोड़ी देर हमें इसको पकाना है, मतलब ज़्यादा नहीं, बस 4-5 मिनट लो फ्लेम पे चलाते रहेंगे ताकि ये तले से लगे ना। तो अब ये देखिए काफ़ी बढ़िया तरह से गाढ़ा हो चुका है। गैस को ऑफ करेंगे, मैंने इसको 4-5 मिनट तक पका लिया है, और फटाफट से मिक्सर हम डालेंगे ब्रेड के ऊपर। तो पूरे ब्रेड पे हम फैला करके इस तरीके से डाल देंगे। इसका टेस्ट आपको बिल्कुल रसमलाई जैसा लगेगा, काफ़ी बढ़िया लगता है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। तो सारे ब्रेड पे हम इस तरीके से फैला देंगे, और जो हमने इसमें गैप रखा ना थोड़ा थोड़ा, ताकि नीचे वाले ब्रेड पर भी अच्छे से, नीचे वाले ब्रेड में भी अच्छे से जाए, ऊपर से थोड़ा सा हम और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे ताकि अच्छा लगे देखने में। और इसको हम 10 मिनट ठंडा होने देंगे, या फिर इसको मतलब पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ही आप इसको खाइए, क्योंकि इसका स्वाद जो है आपको ठंडा होने के बाद ही मिलेगा। तो इसको हम ठंडा होने देते हैं थोड़ी देर, इसको बाहर ही ठंडा होने देंगे। तो यहाँ देखिए ठंडा हो चुका है, काफ़ी अच्छे से पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, और अब हम इसको खा सकते हैं। तो अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है ब्रेड, आप देख सकते हैं, और देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। और बनाने में आपने देखा कितना कम टाइम लगा है, और कितना आसान है इसको बनाना, और टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है।
तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।